हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में एक बार फिर चर्चा करेंगे बीएड एडमिशंस के बारे में। बहुत सारे बच्चों के भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे, सभी क्वेश्चंस का जवाब देंगे और आज की वीडियो में बीएड से संबंधित आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराएंगे, जिससे आप लोगों को संतुष्टि हो चुके कि हरियाणा के अंदर यदि हम बीएड में एडमिशन लेते हैं तो हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। साथ ही हरियाणा के अंदर बीएड की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, मोस्टली यूनिवर्सिटियाँ कहेंगे हम 95% तक यूनिवर्सिटियाँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती हैं और उनके अंडर में एनसीटी से मान्यता प्राप्त कॉलेजेस मिलते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या एक साल की बीएड अभी चल रही है या नहीं चल रही है, दो साल की बीएड किन किन यूनिवर्सिटियों में चल रही है, किस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई है, कौन सी यूनिवर्सिटी कितने दिन से कार्य कर रही है, सभी विषय पर वन बाय वन चर्चा करेंगे। वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। साथ ही सबसे पहले तो मैं बात करूँ जो अपने आज का सबसे मेन टॉपिक जो है वो टॉपिक रहेगा अपना बीएड एडमिशंस के बारे में। बच्चों के भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं कि सर हमें बीएड में एडमिशन लेना है तो हम किस प्रकार से एडमिशन लें, तो साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो एडमिशन स्टार्ट हो चुका है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर जो भी यूनिवर्सिटियां हैं, सभी यूनिवर्सिटियों ने अपना जो एडमिशन का जो प्रोसेस है स्टार्ट कर दिया है। आपको बिल्कुल देरी नहीं करनी है और तुरंत प्रभाव से अपना एडमिशन लेना है यदि आपने मन बना रखा है। हरियाणा के अंदर डायरेक्ट एडमिशन होता है यूजी / पीजी, यानी कि अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी कक्षा में यदि 50% नंबर आपके पास हैं तो आप हरियाणा में बीएड एडमिशंस के लिए इलिजिबल हैं। अब हम बात करेंगे हरियाणा में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बीएड कराती है, किस यूनिवर्सिटी की कब स्थापना हुई। साथ ही सबसे पहले मैं बात करूँ एक नंबर के ऊपर, तो यहाँ आप देखोगे सबसे जो अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है वो कुरुक्षेत्र शहर का नाम है, वहां पे स्थापित है। 1956 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा के अंदर सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कही तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, जो कि बीएड का कोर्स कराती है, अन्य भी बहुत सारे कोर्सेज कराती है, एक ग्रेड यूनिवर्सिटी है और यूजीसी की जो भी टर्म एंड कंडीशन है उन कंडीशन के तहत काम करती है। केवल एक यूनिवर्सिटी नहीं, जितनी भी यूनिवर्सिटियों की लिस्ट में बना रखी है सब यूनिवर्सिटियां यूजीसी के अंडर में काम करती है। दूसरी चीज और बता देता हूँ, बीएड जो बच्चा करता है उसको एनसीटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज चाहिए होता है। तो ये जो यूनिवर्सिटियां हमने आपको स्क्रीन पे दिखा रखे हैं, इन यूनिवर्सिटियों के जो भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी जिन भी कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग कराती है वो ऑल इन वन कॉलेजेस एनसीटी से मान्यता प्राप्त हैं। आप चाहें तो अपने लेवल पे इसको चेक कर सकते हैं, नहीं भी चेक करेंगे तो भी आपको परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि इन यूनिवर्सिटियों के अंडर में जो भी कॉलेजेस आते हैं सब एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। तो साथ ही सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी अपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र शहर के अंदर स्थापित है, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद हम बात करें तो सेकंड नंबर पे आता है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का नाम, एमडीयू जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। ये रोहतक के अंदर स्थापित है। इस यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है 1976 के अंदर यूनिवर्सिटी की स्थापना हो गई थी। उसके बाद निरंतर रूप से यूनिवर्सिटी काम कर रही है। यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा अपना एक कैंपस है और बहुत सारे कॉलेजेस भी इस यूनिवर्सिटी के अंडर में रन करते हैं। बीएड के कॉलेज भी हैं, यूजी पीजी के कोर्सेज भी हैं, अनगिनत प्रकार के कोर्सेज यूनिवर्सिटी के पास हैं जो कि बच्चों को एजुकेशन से संबंधित पढ़ाई कराई जाती है। उसके बाद हम तीन नंबर की बात करें साथी, तो ये शीडीएलयू है। शीडीएलयू का नाम रहेगा चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, जो हरियाणा के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं और पहले ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उनके नाम के ऊपर इनकी स्थापना हुई थी शीडीएलयू के नाम से। 2003 के अंदर इस यूनिवर्सिटी को स्थापित कर दिया गया था। इस यूनिवर्सिटी की नीचे भी 8-10 के आसपास को बीएड के कॉलेजों की संख्या है, बहुत अच्छे से रन करती है, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं साथी डीक्रस्ट, ये दीनदयाल के नाम से डीक्रस्ट जो यूनिवर्सिटी है, दीनदयाल के नाम से 2006 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी और ये यूनिवर्सिटी सोनीपत के अंदर है, डीक्रस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। इस यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस भी सोनीपत के आसपास के जो सोनीपत के अंदर इसके कॉलेजेस की स्थापना है, कॉलेज स्थापित है इसके, तो 2006 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हो गई थी। उसके बाद बात आती है साथी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी, जिसको हम आईयू के नाम से जानते हैं। देखो इस चीज को देखते थोड़ा कंफ्यूज मत होना, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि आईयू जैसे कि इग्नू होती है, IGONU, इग्नू जो यूनिवर्सिटी है वो एक ओपन यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है, बट हम बात कर रहे हैं आईयू की। ये इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, मीरपुर रेवाड़ी के अंदर स्थापित है और इस यूनिवर्सिटी का हरियाणा स्टेट, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी नहीं है,
और केवल रेगुलर के कोर्सेज को रन करती है, डिस्टेंस एजुकेशन को रन नहीं करती है। तो इग्नू और आईजीयू में फर्क है, इस चीज को बिल्कुल समझिएगा। और हम बात कर रहे हैं आईजीयू की, यानी कि अपनी जो ये यूनिवर्सिटी है आईजीयू यूनिवर्सिटी है, 2013 में स्थापना हुई थी। आज के दिन हम कहें तो ये बेस्ट यूनिवर्सिटी में इसकी काउंटिंग होती है, इसकी गिनती होती है, क्योंकि रिजल्ट के मामले में इतनी शानदार यूनिवर्सिटी है कि हम कह ही नहीं सकते। बिहार के बच्चे के लिए सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है तो मैं आईजीयू को सजेस्ट करूंगा। बिहार का बच्चा आराम से इस यूनिवर्सिटी के अंदर पास हो जाता है अच्छी परसेंटेज के साथ में। तो बिहार का बच्चा कोई भी है, मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि आईजीयू आपके लिए बेस्ट रह सकती है। इसके बारे में आप भी अपनी थोड़ी बहुत जांच पड़ताल कर ले। उसके बाद बात आती है साथी सीआरएसयू। जब सीआरएसयू चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना 2014 में हुई, तो साथियों इस यूनिवर्सिटी ने भी मार्केट में आते ही तहलका मचाया और इस यूनिवर्सिटी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली। ये जो हाल ही में उस टाइम पे जो मुख्यमंत्री थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके जो पिताजी हैं चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, उनके नाम के ऊपर इसकी स्थापना की गई है। तो इसको नाम दिया गया सीआरएसयू चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी। ये जींद शहर के अंदर स्थापित है। और जब चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी आई थी 2014 के अंदर, तो जितने भी कॉलेजेस थे, चाहे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर में थे, एमडीयू के अंडर में थे, सब यूनिवर्सिटियों की काउंसलिंग का काम सीआरएसयू को दे दिया गया था। और कुछ समय तक शायद ऐसा भी हुआ था कि सीआरएसयू ने बहुत सारे कॉलेजेस के एग्जाम भी कराए थे। बट साथ ही समय की डिमांड के साथ साथ दोबारा ऐसा हुआ कि सभी यूनिवर्सिटी अपनी अलग से काउंसलिंग कराने लगी और सभी यूनिवर्सिटियों ने क्या किया, अपना जो शेड्यूल है अपने अनुसार धीरे धीरे निकालना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि यूनिवर्सिटियों की मांग थी कि जब यूनिवर्सिटी हमारी एग्जाम हम कराएंगे, क्लासेज हम चलाते हैं, तो काउंसलिंग जो भी एडमिशन की प्रोसेस है हम अपने हिसाब से हम स्वयं उसको कंडक्ट करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बात आती है साथी CBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। ये भी हरियाणा में पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके नाम पे इसकी स्थापना हुई थी। ये यूनिवर्सिटी भी 2014 में आई है। इसके जो कॉलेजेस हैं वो भिवानी और दादरी के अंदर हैं, भिवानी और दादरी, चरखी दादरी बोलते हैं हम, सीएच दादरी लिख देता हूं, भिवानी और दादरी के अंदर इसके कॉलेजेस हैं। ये सबसे लास्ट में जो अपनी यूनिवर्सिटी है जीयू, ये यूनिवर्सिटी है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। गुरुग्राम यानी कि जो दिल्ली के नजदीक लगता जो शहर है, जिसको हम पुराना नाम जिसका गुड़गांव बोलते थे, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की स्थापना 2018 में हुई थी। ये यूनिवर्सिटी भी बीएड के कॉलेजेस को रन करती है। साथ ही ये सभी यूनिवर्सिटियां हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां हैं। इस चीज की हमारी गारंटी रहेगी, ऑल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां हैं और जो भी यूजीसी की टर्म है यूजीसी की टर्म्स के अनुसार काम करती हैं। इसके अंडर में जो भी कॉलेजेस काम करते हैं, मोस्टली नहीं कहूंगा मैं 100% कॉलेजेस एनसीटी से रिकॉग्नाइज है। आप अपने लेवल पे भी इसकी जांच कर सकते हैं। बट जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंडर में जो प्रोस्पेक्टस जारी होता है, उस प्रोस्पेक्टस के अंदर जिन यूनिवर्सिटियों का नाम आता है तो एनसीटी से मान्यता प्राप्त कॉलेजेस के नाम ही डालती है यूनिवर्सिटी उस प्रोस्पेक्टस के अंदर। नेक्स्ट स्टेप पर हम चलेंगे तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, देखो ये लिस्ट अपनी लंबी है और हम किसी भी यूनिवर्सिटी को ये नहीं कहेंगे कि ये यूनिवर्सिटी कमजोर है, ये यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है। सब यूनिवर्सिटी अपनी जगह अच्छी हैं, अच्छे से वर्क कर रही हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ में नहीं है। बट इन सभी यूनिवर्सिटियों के अंदर से हमने एक दो यूनिवर्सिटियों का चयन किया है जो हमने जिनके साथ काम किया है, हमारी नजर में वो बेस्ट यूनिवर्सिटियां हैं। सबसे पहले यदि बात करूं मैं एक नंबर पे, तो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो है मीरपुर रेवाड़ी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, मीरपुर गांव का नाम है और रेवाड़ी शहर का नाम है। ये रेवाड़ी शहर है, ये भी दिल्ली के बहुत नजदीक लगता है। जो दिल्ली की साइड से जो बच्चा आता है, दिल्ली का बच्चा रहे या बिहार का बच्चा रहे, जो दिल्ली होते हुए हरियाणा में प्रवेश करता है, तो दिल्ली से रेवाड़ी में प्रवेश करना और रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ में प्रवेश करना बहुत आसान है। ट्रेन की अच्छी सुविधा है और इसके जो कॉलेजेज हैं, मीरपुर जो आईजी यूनिवर्सिटी है, इसका जो कॉलेजेज है महेंद्रगढ़ शहर के अंदर है, एक नंबर बात। दूसरी बात बताता हूँ आपको, ये रेवाड़ी, रेवाड़ी में यूनिवर्सिटी का कैंपस है, रेवाड़ी के अंदर कॉलेजेज हैं। बट सबसे ज्यादा जो कॉलेज हैं आईजी यूनिवर्सिटी के, तो वो महेंद्रगढ़ सिटी के अंदर, महेंद्रगढ़ शहर के अंदर है, नारनौल। नारनौल के अंदर भी इस यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं। तो साथी ये यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी कहेंगे, लगभग लगभग इस यूनिवर्सिटी के अंडर में हर साल 7500 से लेके 7500 के बीच बीच में बच्चे हैं हर साल बीएड का कोर्स करते हैं। और जो बच्चा दिल्ली के नियर बाई है, दिल्ली के नजदीक चाहता है, तो दिल्ली के नजदीक तो एक्चुअल में गुड़गांव शहर पड़ता है,
बट वहाँ दिल्ली के वो बिल्कुल नजदीक होने की वजह से वहाँ जो कॉलेजेस के रेट हैं, वहाँ जो बच्चे बीएड करते हैं उनको थोड़ा महंगा बीएड करना पड़ता है। वहाँ रेट 1,95,000 से स्टार्ट होते हैं, और जबकि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी से आप यदि बीएड करना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूंगा 75K से लेके 100K, यानी कि 75,000 से लेके 1,00,000 के बीच में इन सभी यूनिवर्सिटियों की फीस होती है, जितनी भी यूनिवर्सिटियां हमने आपको बताई हैं। बट इसके बीच बीच में आपका बीएड का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अच्छी यूनिवर्सिटी है, रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है। सेकंड नंबर पे हमने रखा चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी भी अपने आप में एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी की भी काफी सारी खासियत है। यूनिवर्सिटी रिजल्ट अच्छा देती है, टाइमली एग्जाम कराती है, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती है। यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी कोई बच्चा जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए तो वहाँ भी अच्छे से बच्चों के साथ ट्रीट किया जाता है, बच्चों को अच्छी सर्विस दी जाती है। तो साथी यदि आप इन सब यूनिवर्सिटियों में से यूनिवर्सिटी की का चयन करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से आपको दो यूनिवर्सिटियाँ सजेस्ट हैं। आप चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी में से भी किसी एक यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन इस लिस्ट में से किसी भी यूनिवर्सिटी का आप कर लें, कोई परेशानी नहीं है। सब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां हैं, सभी यूजीसी के जो टर्म एंड कंडीशन से उसके अकॉर्डिंग काम करती हैं। वो मेरी अपनी समझ है जिसके अनुसार मैंने आपको बताया है कि आप इन दोनों यूनिवर्सिटियों में से किसी एक यूनिवर्सिटी का अच्छे से चयन कर सकते हैं। कोई भी साथी है हरियाणा से बीएड का कोर्स करना चाहता है, आपके लिए मोस्ट वेलकम है, आप बीएड कर सकते हैं। अब इंतजार समाप्त हो चुका है। हमने जो भी आपको लिस्ट दिखाई थी थोड़ी देर पहले, इस लिस्ट के अंदर अभी ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। ऑल इन वन यूनिवर्सिटियां हैं जिनका एडमिशंस का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटियों की भिन्न भिन्न जो है अंतिम तिथि रखी गई है। कोई भी बच्चा बीएड का कोर्स करना चाहता है बेहिचक होके कोर्स आप कर सकते हो, बीएड का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। हरियाणा के अंदर बीएड में सीधा प्रवेश होता है, किसी प्रकार का कोई आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिया जाएगा साथी, सीधा प्रवेश होगा आपका। आपके पास यूजी, मैंने पहले भी बताया था, यूजी में 50% हो या फिर पीजी के अंदर आपका 50% हो, आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इस कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9461179859। जो भी आपके डाउट है पूछ सकते हैं, एडमिशन कराना है या जो भी आपको तो जिस भी प्रकार की नॉलेज चाहिए आप प्राप्त कर सकते हैं। टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखें, सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक ही कॉल करें, उसके बाद कॉल ना करें। बच्चे बिल्कुल टाइमिंग का ध्यान नहीं रखते हैं, रात को 9 बजे, 10 बजे, 10:50, 11 बजे तक भी फोन मिला देते हैं। उनको ये नहीं पता कि ऑफिस टाइम पे ही हम किसी से कोई बात करेंगे तो हमें अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। साथ ही फिलहाल के लिए यही जानकारी शेयर करनी थी। अपडेट कैसी लगी जरूर बताइएगा, और हमारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगती है इसके बारे में भी कॉमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिए। धन्यवाद साथी।